cool, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going? अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केचिंग पेंसिल के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे स्केचिंग पेंसिल अवेलेबल है, जिसके कारण बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो आज मैं इसी वीडियो के थ्रू आपको मैं क्लियर करने जा रहा हूँ कि कौन सी पेंसिल बेस्ट है। तो हमने तीन डिफरेंट ब्रांड्स की पेंसिल लिए, तो मैं आज इससे आपको शेडिंग करके दिखाता हूँ। ये डॉम्स कंपनी की पेंसिल है जिससे मैं अभी शेडिंग कर रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं। ये मैं अभी 2B पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ, और अब मैं जिससे शेडिंग करने जा रहा हूँ वो आर्ट लाइन की पेंसिल है, और ये लास्ट वन फेबर कास्टल की पेंसिल है। और अब मैं 1x1 सब ग्रेड की पेंसिल की शेडिंग करते जा रहा हूँ, तो आप अंत तक बने रहिए क्योंकि जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट पता चले। रिजल्ट आपके सामने है, आप कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी पेंसिल बेस्ट है, आर्टलाइन, फेबर कास्टल कि डॉम्स। कमेंट करके बताइए। तो चलिए इनको ब्लेंड करके देखते हैं। तो मैं अभी डॉम्स की पेंसिल की शेडिंग को ब्लेंड करने जा रहा हूँ, और अब आर्ट लाइन की बारी। अब मैं आर्ट लाइन की पेंसिल की शेडिंग को ब्लेंड करने जा रहा हूँ, और ये मैं फेबर कास्टल की पेंसिल की शेडिंग को ब्लेंड कर रहा हूँ, जो बहुत ही इजीली से ब्लेंड हो जा रही है और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर दे। और अब मैं सबको 1x1 ब्लेंड करते जा रहा हूँ। और अब मेरे अकॉर्डिंग तो आपके लिए डॉम्स बेटर नहीं है, क्योंकि उनकी सारी ग्रेड एक जैसी सेम ही दिख रही है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपके लिए फेबर कास्टल बेस्ट है, क्योंकि इसकी ग्रेड अलग अलग है, और आप देख सकते हैं कि 10B इतनी डार्क है, 6B, 8B जो बहुत ही, और फेबर कास्टल एक तो बहुत स्मूथ टेक्सचर दे रही है और बहुत ही ईजीली से ब्लेंड हो जा रही है। और मैं आर्ट लाइन को सेकंड पोजीशन देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं जब ब्लेंड कर रहा था तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रही थी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं इसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। सो टिल देन बाय। Peace.